हर्षद और दक्षेश की बड़ी रिजॉर्ट पे अनबन। राजेश भी परेशान सा हो गया, हर बात में रोक टोक लगाई दक्षेश ने इस तरह, अभी के अभी ये प्लेइंग एरिया खाली करना पड़ेगा, आप लोग भी खाली करो, चलो चलो, कि सबका सब्र आखिर खो गया। क्या भाई सैलड है, पोटैटो पीस सैलड है, ग्रीन सैलड है, ये वर्ल्ड ऑफ सैलड है, ये क्या सिर्फ सैलड 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 ही है? यस सर, यामिनी भाभी और दक्षेश जोशीपुरा ने शेफ से कहा था कि लंच में सिर्फ सलाद ही खाएंगे। राजेश ने दक्षेश को रिजॉर्ट से भगाया ताकि वंदना का अच्छे से जन्मदिन मना पाए, पर अफसोस कि दक्षेश और यामिनी पलट के रिजॉर्ट पे तुरंत ही लौट आए। ये मैं जीत गया। चल मजा आया ना? आज शाम को हम लोग डबल्स खेलेंगे, मैं और मेरे डैडी, तू और तेरे पापा। लेकिन मेरे पापा को बोल देना कि टेबल टेनिस इसी बॉल से खेले। हाँ हाँ, मैं उनको बोलूंगा मसाला भी हाथ में ना रखे, वरना वो तो ऐसे। चलो सेकंड राउंड खेलते हैं। नहीं, अभी कोई सेकंड राउंड नहीं बच्चों, अभी के अभी ये प्लेइंग एरिया खाली करना पड़ेगा, आप लोग भी खाली करो, चलो चलो, प्लीज अभी नहीं खेल सकते, चलो। लेकिन क्यों बेटा? अब ये कैरम, ये टेबल टेनिस, ये सारी चीजें यहाँ से शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया है मिस्टर जोशीपुरा ने। अब इन सारी चीजों की जगह पर यहाँ पर गद्दे बिछाने का ऑर्डर दिया है यामिनी जी ने। लेकिन क्यों? वो तो I don't know. तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल। अब तुम लोग ये एरिया खाली करो बेटा। अब ब्रदर, दक्षेश अंकल यहाँ भी शुरू हो गए। दोनों यमिनी आंटी बोली होगी, गेम्स हटवा के गद्दे लगवाए वो मैनेजर, बाकी सब डैमेजर। बहुत स्पेशल डे है, कमाल का डेकोरेशन होना चाहिए। हाँ। एक 2 किलो का केक चाहिए मुझे। हाँ। और ये क्या है? लंच। वेरी गुड। अच्छा ये तो सब खाली है। ये क्या भाई सैलड है, पोटैटो पीस सैलड है, ग्रीन सैलड है, ये वर्ल्ड ऑफ सैलड है, ये क्या सिर्फ सैलड 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 ही है? यस सर, यामिनी भाभी और दक्षेश जोशीपुरा ने शेफ से कहा था कि लंच में सिर्फ सलाद ही खाएंगे। अरे खाना है तो उन्हें खाने दो ना बेशक, ये क्या जबरदस्ती है सिर्फ सैलड 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 सैलड। आई नो बट सर उन्होंने कहा कि आपकी फैमिली, वो हर्षद भाई की फैमिली और वो दोनों, इन शॉर्ट साई दर्शन हाइट सोसाइटी से जो कोई भी लोग यहाँ पर आए हैं वो लंच में सिर्फ सलाद और सलाद ही खाएंगे। इसकी अक्ल ना ठिकाने लगा था। फॉलो ना करे थे फूल्स। वेरी गुड, अब जाओ। यस राजेश भाई। ओ दक्कू भाई, ये क्या क्या जबरदस्ती, ये सैलड 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 क्या लगा रखा है? थैंक यू बोलने की जगह शिकायत करने क्या बैठ गए राजेश भाई? इतनी गर्मी में बेचारी वंदना भाभी तेल से भरा रंग बिरंगा खाना खाएंगी? आपको तो सेहत की परवाह है नहीं। एक मिनट देखो भाई, एक तो यहाँ का खाना बहुत बढ़िया है और कम तेल मसाले वाला होता है। ओ हेलो, मुझे आपसे बेहतर पता है, आपको पता भी है इस रिसोर्ट का मेन बंदा कौन है? मेरी यामिनी का भाई नैवेद्य है। नैवेद्य तो बांटो सब में थोड़ा थोड़ा। बॉस, you know, I know. राजेश भाई, तामसी खाना आत्मा को चुभे, अरे बाप रे, शैतान जगाए मन में, बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं जाती गन में, कभी वापस नहीं जाती गन में। वाह, समझ गए? यम, once more. जरूर, आप कहे और हम ना सुनाए ऐसे तो हालात नहीं। तामसी खाना आत्मा को चुभे, शैतान जगाए मन में, बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं जाती गन में। बंदूक की गोली वापस गन में नहीं, इनके दिमाग में जानी चाहिए। मेरे पास गन होती ना, मैं सचमुच की गोली मार देता हूँ। ऐसा प्लीज कुछ मत सोचो, इतना मुश्किल से समझा बुझा के रोका है मैंने उनको। रोका है मतलब वो दोनों यहाँ से जा रहे थे? हाँ, हमने तो उन्हें बाय बाय भी बोल दिया था, लेकिन मम्मी ने जिद करके उनको रोका। आयू, अरे पाप लगेगा तुमको वंदना, वो जा रहे थे तुमने क्यों रोका? वो तो गाड़ी में बैठ भी चुके थे वापस जाने के लिए। How could you do this, वंदना? यामिना आंटी ने कहा भी था। ये क्या तुमने लिख के रखा है? हाँ, इतना कौन याद करेगा? क्या आए क्या गए, बड़ा छोटा सा था मिलन, टाइगर भूख मिटाने के लिए मारता है हिरन, होता नहीं है विलन, होता नहीं है विलन। इसके बावजूद तुमने उन्हें रोका? राज, जरा न्यूज़ तो सुनो,
सरकार विनतियां कर रही है कि मेहरबानी करके जो जहां है वहीं सलामत रहे, इधर उधर ना घूमे। अब वो बेचारे इतनी लंबी ड्राइव करके आए हैं यहाँ पे। लेकिन अगर वो लोग यहाँ रहेंगे तो हमें लंबी ड्राइव लेकर भाग जाना पड़ेगा। He is absolutely right. उन्हें सलामत रखो। अरे हमारी सलामती का क्या, तुम्हें पता भी है वो डाकू जोशीपुरा और वो नाटकिनी जोशीपुरा मेहता ने यहाँ पर आते ही अपने वाहियात रूल्स लागू करना शुरू कर दिया। मेरे अश्व ने तुम्हारे गज को उड़ा दिया धम। अरे दरवाजे से आवाज आई बम। जोशीपुरे तूने मेरा जाकूसी का पानी बंद करवाया ना, बोला मेरे को मारपतिया ने क्यों बंद करवाया? अर्शद ये सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम है और ऐसे में जकूजी में बैठना रूल्स के खिलाफ है। और रूल्स मतलब रूल्स। अच्छा सोशल डिस्टेंसिंग, ये छलर जाकूजी में ना सिर्फ मैं विद्युत और ज्योति बैठते हैं, ऐसे लोगों को बुला बुला के नहीं बिठवाते हम लोग। अरे मैनेजर आओ बता रहा। अरे असिस्टेंट मैनेजर आप तो आओ। अरे तो बेटर आ जाओ बैठो, मजे करते हैं जाकूजी में, ऐसा नहीं करते हम लोग। हर्षद भाई एक जैकूजी भरो तो बर्बाद होता है पानी 500 लीटर। दिल के बुखार को नहीं नाप सकता कोई मामूली थर्मामीटर, कोई मामूली थर्मामीटर। हाँ और ये नैन में रिसॉर्ट ना बड़े ही लापरवाही से चला रहा था वो मारफतिया, लेकिन अब मैं आ गया हूँ ना तो संतुलन भी वापस आ जाएगा। मतलब यहाँ भी सब तू कंट्रोल करने वाला है? हाँ और सबको मेरे बनाए कायदे कानून फॉलो करने ही पड़ेंगे क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे दे फॉल। दक्षेश ये मेरी जो दो लिखी हुई लाइन्सें हैं ना अब वो ये तुमने लिख कर दी थी? हाँ तो पता नहीं चलता। अरे इतनी खूबसूरत लाइन्स हैं तो मेरी यमी लिख सकती है। यमी तुम्हारे लिखी हुई ये दो जो लाइन्स हैं ना ये अब थोड़ी पुरानी हो गई है तो इसमें एक लाइन ऐड करके तुम ही दे दो ना। मैं तो सोच के भी आई हूँ, अब कोई कानून तोड़े तो कहना रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल, फूल्स गो बैक टू स्कूल। मम्मी जो वहाँ चिल्ड्रन प्ले एरिया है ना वहाँ पे कैरम बोर्ड और टेबल टेनिस टेबल होता है ना वो वहाँ से हटा दिए और गद्दे लगा दिए वहाँ पे यामिनी आंटी ने। क्यों उनके पास तो डीलक्स रूम है ना? रहने के लिए नहीं, अब रोज शाम वहाँ पर बैठक जमाएंगे, नाट्य वाचन होगा यामिनी जी का, लाठी मांगे और हाथ दे वो संता, बाकी सारे फटे कफ्तान। हाँ तो ठीक है ना राज? Exactly, ठीक है ना, पहली लाइन बिल्कुल ठीक है कि लाठी मांगे और हाथ दे वो संतान, ओके मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बाकी सारे फटे कफ्तान, तो मैंने पूछा कि यामिनी क्या मतलब है बाकी सारे फटे कफ्तान का, तो कहने लगी राजेश भाई फटे कफ्तान किसी के काम आ सकते हैं? नहीं उसी तरह जो सहारा ना दे वो संतान किस काम की, इसीलिए बाकी सारे फटे कफ्तान, ऐसा बोली वो। तो मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था, बर्थडे सरप्राइज, इसलिए ऐसी सीक्रेटली इतनी तैयारियां कर रहा था मैं। अब तुम्हारे 40th बर्थडे की सारी तैयारियां ना भी वो दोनों ही करेंगे। एग्जैक्टली वो भी यही कह रहे थे जब उन्होंने वो जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट की थी ना तब। मतलब उन्होंने गाड़ी भी स्टार्ट की थी और तुमने उन्हें रोका? अब गई पार्टी मम्मी, 40th birthday is always special. Please tell her, even this child knows. अरे 40th birthday it's a landmark birthday. Fancy 40s में तुम enter करोगी. Life begins at 40. मुझे नहीं सुनना है उस यामिनी का नाटक. कहीं भी कभी भी शुरू हो जाती है वो. अरे हम लोग राधा कृष्ण गए थे इडली खाने तो कहने लगी राजेश भाई इडली तो जैसे रुई का टुकड़ा चटनी सांभर से भली, इडली तो जैसे रुई का टुकड़ा चटनी सांभर से भली, वड़ा देख के मेरे नैना करने लग गए कथकली। ये क्या है? ये वाला तो थोड़ा सेंसिबल है ना राज, अब साउथ इंडियन खाना खाते खाते थोड़ा सा साउथ इंडियन टाइप का डांस करने लगा उनका मन। तो मतलब अगर मैं वो मिसल खा रहा हूँ तो क्या रेशमा चरे खानी लाल काला धागा नी ऐसे लावणी करने लगूंगा, या फिर वो गाठिया खाऊंगा तो ए हालो ऐसे राज गरबा नाचने लगूंगा? कुछ भी बोल रही हो तुम, साउथ इंडियन खाया तो साउथ इंडियन डांस किया। मैं सच कह रहा हूँ तुम्हारे बर्थडे पर ना ये दोनों मेरी पुण्यतिथि मनाएंगे। कुछ भी मत बोलो राज,
अब वो ऐसे हैं तो है ना, हम समझा लेंगे उन्हें कैसे भी। समझा लेंगे उन्हें? अरे समझाने के बाहर गए हैं वो, इट इज इम्पॉसिबल उन्हें समझाना। मैं कुछ भी करके उन्हें यहाँ से भगा कर रहूंगा। क्या करोगे आप? मुझे नहीं पता क्या करूंगा मैं। एक ही इंसान बचा सकता है, चंदू। अरे दासानी, हमें इधर से पुना नागपुर नाशिक दवाई का कंसाइनमेंट भेजने के लिए, छोटा यूनिट शुरू करने के लिए भेजा है ना राजेश सर ने, सोने के लिए नहीं। चंदू मैं सो नहीं रहा, मैं तो ये बेड चेक कर रहा था कि कहीं टूटा उठा तो नहीं है ना। अरे नालायक बेशरम हलकट, तू बेड चेक कर रहा है टूटा है कि नहीं? हाँ। अरे रुक, मैं तुझे उठा के पटकता हूँ बेड पर। हाँ हेलो राजेश सर। हाँ चंदू, हमने एक छोटा यूनिट शुरू किया है लेकिन ये दासा नहीं है ना। सुनो 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 चंदू, वो बाद में सुनता हूँ मैं, सबसे पहले ना मेरा एक बहुत अर्जेंट काम है वो करो। सर पहले इस दासानी का कुछ तो कीजिए, कल से बस सो ही रहा है होटल के रूम में। नहीं नहीं सर, ये चंदू झूठ बोल रहा है, मैं तो जिन पेशेंट के लिए हम लोग दवाइयाँ कुरियर करने वाले हैं ना, मैं उनकी तकलीफें महसूस कर रहा हूँ। सो के? हाँ सर, वो पेशेंट्स भी सोए हुए ही होते हैं ना हॉस्पिटल के अंदर, तो मैं भी सोते सोते उनकी तकलीफें महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरह। सुना ना आपने सर, सुना ना? एक मिनट, वो उस दासानी की अकल को ना मैं बाद में ठिकाने पर लाऊंगा, लेकिन चंदू मैं तुम्हें एक नंबर दे रहा हूँ, वहां पर फोन करके जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा बोलो। ओके ओके सर। ए दासानी नंबर लिख के ले। जिमनेजियम में यही गाने बजने चाहिए मारफतिया। आई नो पर सर ये किसके गाने हैं? मेरे। सुना? हाँ। तो यही गाने बजेंगे। ओके सर, लेकिन ऐसे गाने जिमनेज रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। या आई नो स्कूल्स। हेलो ऑनरेबल सेक्रेटरी दक्षेत जोशीपुरा जी। यस स्पीकिंग सर, इमरजेंसी है। आपके वार्ड ऑफिसर आपके साई दर्शन सोसाइटी के पेंटिंग के लिए जो बांबू पेपर लगवाए हैं ना वो सब निकलवा रहे हैं। क्यों? अरे हमने तो काम रुकवा दिया था लॉकडाउन के चलते। अरे दक्षेत जी वो ऑफिसर एड़ा है, उसने आपके खिलाफ कंप्लेंट भी की है पुलिस में। ये कहते हुए कि लॉकडाउन है फिर भी आपने जबरदस्ती काम चालू रखवाया है। अरे आप जल्दी से जल्दी मुंबई आ जाओ, वरना जो भी नुकसान होगा ना बांबू निकलवाने का उसका सारा जिम्मा आपके सिर पर डाले गए सोसाइटी वाले। एक मिनट, आप कौन बोल रहे हैं? अरे सर मैं ये... हाँ। सर मैं आपका शुभचिंतक, आप जैसा सेवाभावी सेक्रेटरी हर सोसाइटी में होना चाहिए। अब जल्दी से जल्दी कैसे भी करके इधर पहुंच जाओ, मैं भी इधर आपके सोसाइटी के बाहर ही खड़ा हूँ। ओह माय गॉड, मेरे साईं दर्शन हाइट सोसाइटी के बदन पे सजे बहुमूल्य हैंडसम बांबुओं को कोई बोर्ड ऑफिसर ऐसे कैसे हटा सकता है? यम हेलो चंदू। हेलो सर, काम हो गया? हो क्या? दोनों साई दर्शन हाइट सोसाइटी की ओर निकल पड़े हैं। लेकिन सर लॉकडाउन के कारण पुलिस बिलिस ने उसको पकड़ा और अंदर डाला तो तुरंत छोड़ देगी पुलिस, क्योंकि यमिनी वहां पर 100% बोलेगी कि हाथों में कंगन कांच की चूड़ियां अच्छी नहीं लगती हथकड़ी, पंजाब जाके खाना ना भूले पकोड़े वाली कड़ी। सर आप ठीक तो है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ चंदू। ओके बाय 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 बाय, थैंक यू सो मच चंदू, लव यू। यस अब धूमधाम से मनाऊंगा मेरी बंधु रानी का 40th बर्थडे। अब हम चैन से मनाएंगे वंदु रानी का 40th बर्थडे। यस यस। अरे एक मिनट। हाँ क्या अच्छा ध्यान। हाँ क्या हुआ? अरे सेल्फी लेते हैं ना, एवरीबॉडी स्माइल। यस। वंदना भाभी, मेरे 120,000 वाले मोबाइल के कैमरे के लिए गोल्डन स्माइल हो जाए प्लीज। हाँ थोड़ा। अरे वंदना भाभी आप इतनी अपसेट क्यों है? वो तो होगी ना हर्षद भाई, अब लैंडमार्क बर्थडे है तो दकू भाई और यामिनी भाभी को यहाँ से भगाने के चक्कर में मैं प्लानिंग नहीं कर पाया, इसीलिए
मम्मी चला लीजिए ना, म्यूजिक नहीं है, डांस नहीं है, केक नहीं है, तो क्या हुआ? हम लोग तो सब साथ में है ना, आपने समझाया था। सखी और मम्मी पापा को मिस कर रही है मम्मी, लेकिन डोंट वरी, वीडियो कॉल पर बात होने वाली है ना उनसे। हाँ उनसे तो वीडियो कॉल पे बात होगी राज, पर जिस तरह से हमने बेवकूफ बनाकर दक्कू भाई और यामिनी भाभी को यहाँ से भगाया ना, वो एक मिनट, हाँ हमने उन्हें भगाया जरूर, लेकिन बेवकूफ वो पहले से ही है। पड़ोसी है हमारे राज, दोस्त है हमारे। ऐसी कौन सी दोस्ती निभाई है उन्होंने? आज लंच में सलाद खिलाया सब लोगों को, तुम्हारा तो जाकू भी बंद करवा दिया। ऊपर से बच्चों को भी ये कहा कि खेल कूद बंद करो, दोपहर को जाके सो जाओ। सेव योर एनर्जी, सेव योर एनर्जी। हाँ किस लिए सेव योर एनर्जी? काम को वो यामिनी भाभी का नाटक सुनने के लिए। नहीं 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 राजेश सर, फ्रेश होकर वंदना भाभी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। दक्षेश जोशीपुरा और मिसेस यामिनी दक्षेश जोशीपुरा मेहता ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। जस्ट अ सेकंड सर। अर्जुन सर, अरे व्हाट अ लवली केक। और वंदना मैम, उन लोगों ने आपके बर्थडे के लिए ये स्पेशल डिनर भी बनवाया है। और सर स्पेशल आपके लिए मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, आशा भोसले और किशोर कुमार के सारे गानों के ट्रैक्स हैं जस्ट आपके पीछे में। सर मैम आपके लिए कार्ड। चालीसवां जन्मदिन आता है एक बार, बार बार नहीं है वो आता, पेट में हो प्राणी तो अजगर भी सोता है, दूसरा प्राणी वो नहीं खाता। अच्छा क्या भगा दिया है? दक्कू भाई ने एक टंग ट्विस्टर भी लिखा है। हाँ। वंदना के वर्णन में वाहवा जी वाहवा जी वाहवा जी वाहवा जी बोलो, पर्दे पर बड़े बड़े बॉक्स में पड़ी पर्दे की गिफ्ट जरा खोलो। ये दक्कू भाई और यामिनी भाभी ने। I know. Actually, मैम, उन लोगों ने तो आते ही सारी तैयारी शुरू कर दी थी, और हम लोगों से खास कहा था कि इस सरप्राइज के बारे में आप लोगों को बिल्कुल पता ना चले। राजेश भाई, दक्षेश ने फिर से हमको चकमा दिया। चालर। अच्छा आप समझा, वो लंच में सैलेड, मतलब हमें शाम को जोरों की भूख लगे और हम पेट भर के ये बढ़िया खाना खाए, और दोपहर को सो जाओ या फिर खेलकूद बंद का मतलब शाम को यहाँ पर धूम मचाने की एनर्जी रहे। और हमने छूट मूट का उनको फोन करा कर यहाँ से भगा दिया। और जिसका पता अब हमें चल गया है वंदना भाभी। अरे देखो भाई, यामिनी भाभी, दरअसल मैं अभी आप ही को फोन कर रहा था। वंदना अर्चना, रहवा दो राजेश भाई, रहवा दो, मुंह में भगवान और बगल में छुरी, भोली सूरत दिल के खोटे, कॉटन के कपड़ों को ज्यादा भिगोओगे तो श्रिंकों के हो जाएंगे वो छोटे, तो श्रिंक हो। हम तो बस साड़ी के साथ मैचिंग के इयररिंग देना भूल गए थे। हैप्पी बर्थडे वंदना भाभी। यम लेट्स गो। नहीं नहीं एक मिनट, प्लीज दक्कू भाई, दक्कू भाई, दक्कू भाई, सॉरी सॉरी, कान पकड़ता हूं और मैं माफी मांगता हूं, प्लीज माफ कर दीजिए। दो शब्द पेश करने की इजाजत चाहता हूं। माफ कर दे अपनों को दिल से, ये होता है पड़ोसी का धर्म। माफ कर दे अपनों को दिल से, वो होता है पड़ोसी का धर्म। वो खमन ढोकला क्या होता है अगर होता नहीं वो नरम नरम।
दोबारा। माँ। डक्कू भाई, यामिनी भाभी, मेरी भी जिद है, आप लोगों के बिना मैं ये बर्थडे पार्टी मनाऊंगी ही नहीं। प्लीज प्लीज। अभी गाना छूटेगा, 3 2 1। माफ किया, चलो दिल साफ किया, मिलके मचाएंगे धूम धूम धूम, यहाँ धूम धूम धूम। कचरे जैसा है मेरा रूम रूम रूम। माफ किया, चलो दिल साफ किया, मिलके मचाएंगे धूम धूम धूम, यहाँ धूम धूम धूम। कचरे जैसा है मेरा रूम रूम। नाच गाना हंगामा करने में सबने पूरी रात निकाली। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।